ऐसे टेंट लगाना फील तो है नहीं, पहले ब्लॉग करते हैं भाई। देखो गरीबों को मौका लग गया चाय पीने का। भाई इस मार्केट में ऐसा लौंडा तो एक ही है। धोती कुर्ते वाले लोग देखेंगे आपको। हे एवरीबॉडी, देखिए सारा सामान गाड़ी के अंदर पैक हो गया है और आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ मैं। तो होपफुली आप अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माई ब्लॉग चैनल। मैं हूँ आपका अपना दीप ढाल एंड आज मैं निकल रहा हूँ जयपुर से जैसलमेर के लिए। क्यों गाड़ी से जा रहे हैं तो कैंपिंग होगी, एक दोस्त अपने साथ और जा रहा है उसको मैं लेके जा रहा हूँ भाई। इनके इस गाड़ी फंस जाए और हो जाए, ऐसी दिक्कत हो जाए तो भाई हेल्प हो जाएगी, दो जने होने बड़े जरूरी हैं। तो ये अपने परौंठे आ गए हैं, इसने तो शुरू भी कर दिया है और अपने भी परौंठे खाएंगे और निकलेंगे। वेरी 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 गुड मॉर्निंग। पहले मेरे को दूसरे दोस्त को उठाना है, वो दोस्त बिल्कुल शहर के बीचों बीच रहता है और उसके बाद हम सिटी से बाहर निकल पाएंगे तो कम से कम एक डेढ़ घंटा तो शहर में निकल जाएगा भाई अपना। ये तीन बुटेन गैस के कैन लिए हैं हमारे आगे के कैंपिंग ट्रिप के लिए और ये आप जयपुर में ले सकते हो। ये एक जगह है अंकित गैस करके, ये अंकित एजेंसी करके है, यहाँ से आप ले सकते हो। अरे ये अपना केजे भाई आ चुका है। भाई पलट, ए बात भाई का सामान करते हैं पहले गाड़ी में पैक, नहीं पहले ब्लॉग करते हैं भाई। गजब बेइज्जती है। एवरीबॉडी देखिए अपना केजे भाई आ गया है और हमारी ट्रिप शुरू होती है। हमारा प्लान तो वैसे जैसलमेर तक जाने का है लेकिन रास्ते में जहाँ जहाँ हमें मौका लगेगा वहाँ वहाँ कैंपिंग करेंगे और इस बार एक्सट्रीम एडवेंचर करने के लिए हम एक्सट्रीम एडवेंचर वाला बंदा साथ उठा के लाए। अच्छा तो कोई तो मिला हमारा कोई सब्सक्राइबर भाई जिसने हमें ये चीजें दी। नाम फोटो हम रिवील नहीं कर सकते क्योंकि वो मिलके चला गया। तो ये दोस्त ले लिए एक पैंट और एक टी शर्ट लिए। तो करना तो डीकैथलॉन आए थे, डीकैथलॉन यार डेली गड़ा लग जाता। आप लोग भी बोलोगे भाई स्पॉन्सर तो नहीं कर रहा, नहीं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई, पैसा दे के लेते हैं। एक टी शर्ट एक ये ट्रैक पैंट ले लिया, काम आएगी यार अभी आगे ट्रैवल करते हैं तो कपड़े होने चाहिए पास एक्स्ट्रा। तो मैं और दौलत अभी ऑलमोस्ट 3 बजने को आ गए और अभी निकल रहे हैं आज। आज गजब बेइज्जती है। सांबर पहुंचेंगे, सांबर में कैंपिंग करेंगे, प्लान तो यही अभी तक का, बाकी आगे आपको दिखाते हैं। एवरीबॉडी ट्रैफिक में फंसे हैं यार ट्रकों के बीचों बीच और पता नहीं आधे पौने घंटे से फंसे हैं। तो भाई कब से चाय ढूंढ रहे थे, अभी देखो गरीबों को मौका लग गया चाय पीने का। ये देखो गरीब साला वीआईपी ले ले। कहता मैं को पहले ब्लॉक करेंगे फिर ले लेना। अरे कहना क्या चाहते हो? सांबर झील जिसे सॉल्ट लेक बोलते हैं और उधर आज कहीं कैंपिंग करेंगे, उधर का ही प्लान किया है हमने कैंपिंग करने का। तो यार मजा आएगा होपफुली क्योंकि कैंप करेंगे उस जगह पे, वो जगह तो वैसे ही बड़ी खतरनाक है और रात में इतनी ठंडी रहेगी और मुझे लग रहा है कि फोगी फोगी भी रहेगा। हम हैं अजमेर रोड पे और गाड़ी का टैंक फुल करवा रहे हैं यहाँ से। राजस्थान का तेल थोड़ा तो कॉस्टली है भाई और आज के हमारी जर्नी में हमारे साथी तो यहाँ से टैंक वैंक फुल करवा रहे हैं और आज का स्टे वैसे सोचा तो सांबर गए क्योंकि यार जैसलमेर बहुत दूर पड़ा है अभी, तो आज सांबर कैंपिंग करेंगे। हमने टर्न ले लिया सांबर की तरफ और यहाँ से सांबर करीब जो मैप के हिसाब से 49 किलोमीटर बता रहा है। ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है तो आप बने रहे मेरे साथ में। तो ये कुछ एक सब्जी एंड फ्रूट लिए हैं, तो यहाँ एक छोटी सी मार्केट है जहाँ से कुछ एक फ्रूट ले लिए हैं, अभी पानी की बोतल लेनी है, कुछ खाने के और ऑप्शन लेने, ये तो हमने लिया है सैंडविचेस एंड एक्स्ट्रा खाने पीने के सामान। तो कैंपिंग ट्रिप में आपके पास ऐसी सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। एक जगह से ये बॉटल्स ले ली हमने पानी की। भाई इस मार्केट में ऐसा लौंडा तो एक ही है भाई, तो खाली लगता है। कंट्रोल इस पीछे वाले बच्चे को करानी है फोटो, या बार बार इनको बोलना भैया रोको फोटो करवाने दो, ये आगे वाले बच्चे रोक नहीं रहे हैं। तो भैया हमने ज्यादा कुछ बढ़िया खा नहीं रखा है, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर है सिटी, तो सबसे पहले सिटी जाके कुछ खाते पीते हैं यार, भूख बड़ी लगी है। और हम अभी पहुँच रहे हैं सांबर में और यहाँ के लोगों का पहनावा देखो आप, धोती कुर्ते वाले लोग दिखेंगे आपको पगड़ी के साथ में और ये देखो ठंडी है तो कम्बल वम्बल भी ओढ़ रखे हैं भाई। तो ये छोटा सा जगह आ गई है भाई सांबर, बिल्कुल सांबर शहर के अंदर, तो मैं पहली बार आया हूँ यार। किधर लूँ, लेफ्ट राइट? तो इधर आगे चल के शायद कुछ एक मार्केट वार्केट दिखेगी। तो दूध वगैरह भी ब्रेड वगैरह भी ले ली यहाँ हमें सांबर में मिल चुकी है चीजें एंड अभी समोसे वमोसे खाएंगे यार कहीं से और उसके बाद आगे चलेंगे। और हम आए समोसे खाने के लिए और अभी सबसे पहले लेते हैं कैसे समोसा। तो यहाँ से हम सांबर से बर्गर बनवा रहे हैं, यहाँ एक बेकरी मिली है बढ़िया बेकरी और यहाँ से कुछ एक चीजें भी ले ली हमने और ये देखो हमारा म्योनीस पैक हो रहा है। अभी हम निकले हैं सांबर की मार्केट से और अभी मैं जा रहा हूँ शाकंभरी माता मंदिर की तरफ।
तो जाए ना, तो कम पड़े थे। तो देखो रास्ता किस तरीके का, दूर दूर से कोई व्हीकल नहीं आ रहे हैं। अभी जाके एक बाइक आई है काफी देर के बाद, बहुत ही सुनसान रास्ता है। तो एवरीबॉडी, ऐसे गांव के रास्ते से होते हुए हम अभी जा रहे हैं शाकंभरी माता मंदिर की तरफ। यहाँ के गांव कितने शांत से, छोटे छोटे से गांव हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये देखो, ये यहाँ की मेन सवारी कह सकते हैं। पहले के टाइम में ऐसी जीपें ही हुआ करती थी, लो अभी भी यहाँ पे चलती है। और ये घर देख के ना, मतलब ऐसे बढ़िया फीलिंग आ रही है यार। मतलब ऐसे ऐसे घर देखो, अंदर बकरियां वकरियां सब रखी हुई है दूध के लिए। एवरीबॉडी देखिए, अभी हम शाकंभरी माता मंदिर पहुंच गए हैं और नीचे जाने के लिए यहाँ से रास्ता है। तो एवरीबॉडी, ये शाकंभरी माता मंदिर और अंदर आरती चल रही है, अंदर चलते हैं। तो मैं पहली बार आ रहा हूँ शाकंभरी माता मंदिर, लेकिन यहाँ के काफी अच्छा लगा, अंदर जाके आए। और अभी हम जाएंगे आगे कैंपिंग की लोकेशन ढूंढेंगे। देखिए यहाँ पे प्रसाद चल रहा है माता के मंदिर में। तो एवरीबॉडी देखिए, हम मैं अभी सांबर लेक में और शाकंभरी माता मंदिर में ऊपर मत्था टेक के आ चुके हैं यार। उन्होंने हमें प्रसाद खिला दिया, मतलब जो छोले पूरियां वगैरह चल रही थी हमने खा के भाई सेटिस्फाइड टोटली, मतलब भूख हमारी हो गई है कंप्लीट। हम तो बहुत सारी चीजें लेके आए थे कि हम यार आज रात में कुकिंग करेंगे, बहुत सारी चीजें बनाएंगे। पर क्या ये प्रॉपर्टी पूरी लीज पे है सांबर वाली, तो इसके लिए यार आपको परमिशन लेनी पड़ती है, थोड़ा पर्ची वर्ची कटानी पड़ती है। हमने अपने लोकल पंडित जी से बात कर ली, उन्होंने आगे बात कर ली, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने हमें जगह बता दी कि आपको ऐसे ऐसे करके इस जगह पे जाके मतलब अपना टेंट वेंट सेटअप करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड सुबह दिखाएंगे नजारे, रात में तो क्या ही दिखा पाएंगे। एंड अभी चलते हैं, सबसे पहले टेंट माउंट करेंगे। एवरीबॉडी देखिए, अपनी थार लेके हम आ गए। हर तरफ बिल्कुल व्हाइट व्हाइट यार, दिखेगा नहीं यहाँ, बस एक पहाड़ दिखेगा आपको। बाकी सुबह के टाइम पे दिखाते हैं आपको अच्छे से। और अभी ये ऊपर की तरफ जो टेंट लगा हुआ है, ये टेंट ओपन करेंगे और फिर देखते हैं। ये अपना भाई, बाकी कल ऑफ रोड करेंगे, कल दिन में आपको दिखाएंगे बाकी सारी चीजें। सांबर में आके ऐसी जगह पे ऐसे टेंट लगाना फील तो है, ये फील लेने के लिए तो हम इतना दूर चल के आए हैं। तो एवरीबॉडी देखो, सोने से पहले हम खा रहे हैं मीठा, ये पपड़ी और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, आप देख पा रहे होंगे क्या शानदार नजारा है भाई। देखिए अभी हम टेंट के अंदर घुस के आ चुके हैं, काफी बढ़िया टेंट के अंदर। तो यार गर्मी सी फील हो रही है, यहाँ इतनी ठंड नहीं लग रही। इसका पहली बार एक्सपीरियंस है, तेरा एक्सपीरियंस बता कैसा रहा तेरे को? टेंट का एक्सपीरियंस पहली बार है भाई, मेरा भी समर में पहली बार है। नमक के इस रेगिस्तान के अंदर अभी हम मौजूद है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट टेल देना भाई, बाय बाय। और हाँ, मॉर्निंग आपको तगड़ा ऑफ रोड दिखाएंगे, तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। अभी बैठ के मेरे को एडिट करना है, फिर आराम से सोएंगे जैसी भी नींद आती है। बाकी आपको कल बताएंगे, आज रात का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आपको कल बताएंगे।